जनपद मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुरा क्षेत्र के गांव पलरा में घर में सोए हुए प्रजापति समाज के साथ दूसरे समुदाय के पड़ोसियों के चार लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की। मारपीट के दौरान मां और बेटा दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को CHC में भर्ती कराया, जहां से बेटे की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल मामला दो समुदाय से जुड़ा हुआ है। शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव पलड़ा निवासी गोपाल प्रजापति की पत्नी विमला और उसके चचेरे भाई राजकुमार ने बताया कि रवि के पास दूसरे समुदाय की लड़की आई थी। जब वो घर से निकलकर अपने घर पहुंची तो लड़की के परिजनों ने घर में छत के रास्ते से घुसकर रवि और उसकी माँ के साथ लाठी डंडे और हथियारों से लैस होकर मारपीट शुरू कर दी। वहीं रवि की माँ विमला ने थाने पर नाम दर्ज तहरीर देते हुए बताया कि उसका पुत्र रवि घर में सोया हुआ था कि पड़ोस में रहने वाले सलीम लुहार और उसके तीन पुत्र हथियार लेकर आए और घर में घुसकर उसके पुत्र के साथ मारपीट की और मारपीट के दौरान उसे चोटें भी आई हैं। विमला जोर से बोलो। विमला कहाँ रहती है विमला जी? पलड़ा। कोई पता नहीं, 3 बजे हमारे घर पर आए। कौन लोग आए? मोहम्मदन है लुहार। क्या नाम है? सलीम लुहार। उसके तीन लड़के, दो के आत्मा लटते, एक के आत्मा कट्टा था। मेरा लड़का ऊपर छत पर था, मैं तड़ती। क्या नाम आपके लड़के का? रवि। अच्छा। जब हंगामा हुआ मेरी आँख खुली, भागवी कोठे पर चली गई, वहाँ मेरे लड़के को लठ बजाना शुरू होता। मैं भाग के गई, क्या हो गया, एक लठ मेरे सिर में मार दिया। मैं जा पड़ी, जो पड़ोस के थे वे थे, उन्होंने कह दिया कट्टा ले रहे मैं हाथ में, अब बीच में पड़ो गया सारा खट्टा में गोली मारूंगा। वे अलग हो गए, लठ बजाते बजाते तला जलेगे खींच को अपनी छत पर को। उधर उनका दरवाजा है, बीच के कमरे पर मकान बना रखा ऊपर, उल्ला खाली उनका, बीच में धोबियों का आ रहा, उसकी लगा में मारा गया। अपने जिन्ने पर खींच का घर बाढ़ का अपने घर में कुंडी लगा ली, कुंडी लगाते ही तला ले गए जिन्ने पर घसीटते हुए, जिन्ने पर ले जाकर तला बरामदे में गेर का सरियों की मार दे। मुझे यो नहीं पता कैसे कह, मेरे बेटे को मरे पुलिस वालों ने उठाया। क्या नाम है आपके बेटे का? रवि। किस तरह की हालत बनी हुई उसकी? जी हालत तो उसकी बस बुझो ना, क्या दोनों हाथ तोड़ रखे, देखा ही इतनी बार रिया। क्या मामला था जो आपके साथ मारपीट की? लड़की कही थी जी उनकी, हमारे घर पर आई कही थी। अच्छा। मोनता वो लड़की को रवि किसके पास? रवि के। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, पुलिस ने उनके घर में से लड़का काटा मेरा। अच्छा, पुलिस ने बचाया? पुलिस ने बचा के उन्होंने तो मारपीट के वे घर से छोड़ कर भाग गए थे। घर पर से उनके लेडी से एक लड़की का बाप था, उसे भी मोहल्ले वालों में बढ़ रहा था, वो किसी के उसे बुलाया। फिर कोई पकड़ा गया उन्होंने? जी नहीं, कोई नहीं पकड़ा गया। क्या चाहती हो आप? आप ये चाहते हैं मैम, जो अब जैसा मेरा लड़का का रखा गंभीर पड़ा, चार हॉस्पिटल बदल लिए, अभी कोई उम्मीद नहीं होगी मेरे लड़के की। इंसाफ चाहिए आपको? राम कुमार जी। रामकुमार जी कहाँ रहते हो? मैं पलटा गांव रहता हूँ जी। रामकुमार जी क्या घटना हुई आप लोगों का? घटना ये हुई जी, मैं और जो जी मेरी चाची है और उनका जो लड़का है, वे ऊपर सोए हुए थे पड़ोस के ही से, क्या नाम जो है लड़के, जो उसके लड़के हैं सलीम और उसके तीन लड़के, वे छत आए जी, और छत आगे से क्या नाम उन्होंने अचानक ताबड़तोड़ से क्या नाम लठबाजी करनी शुरू कर दी, और उसमें मेरी चाची को भी चोट आई जी, और उसे पीटते हुए अपने घर ले गए। मारपीट क्यों करी? मारपीट उनकी लड़की से क्या नाम छत से ऊपर आई थी। किसके पास आई थी? रवि के पास में जी। अच्छा जी। फिर इसे क्या नाम वो वहाँ से घर पे चली गई होगी, उन्होंने उससे पूछताछ करी होगी, और उसके बाद इसे क्या नाम वे वहाँ पे आए सारे इकट्ठे हो गए जी, और लठबाजी ताबड़ तोड़ करनी शुरू कर दी जी, और उसे मारपीट का बहुत भंडी तरीके, आज वो इस स्थिति में है जी कि मेरा ट्रेफर कर दिया, और वहाँ पे सीरियस है जी बहुत ज़्यादा। किस तरह की हालत है अभी रवि की? बहुत गंभीर बनी हुई है जी। उसकी मम्मी का नाम क्या है? विमला जी। उनकी हालत कैसी है? उनके सिर में चोट लगी हुई है जी, बेबी मुझे फनागर इससे क्या नाम सरकारी अस्पताल में एडमिट है जी। अच्छा, पुलिस आई थी? हाँ, घर जी कल गए, पुलिस जा रही है और जल्दी कार्रवाई करेंगे हम इसमें। कोई गिरफ्तारी हुई? जल्दी गिरफ्तारी होगी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।